નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવીએ છીએ અને વાતો કરીએ છીએ. અતરંગ આજે કોઈ પણ જાતની એમની પહેચાન વગર, કોઈ પણ જાતના વિશેષણો લગાવ્યા વગર સીધા જ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરું છું આજના અતિથિ ઇસ્માઇલ દરબારને. ઇસ્માઇલ જી, આપકા સ્વાગત હે કાર્યક્રમમાં. થેન્ક યુ દેવાંગ સાહેબ. સૌથી પહેલા તો મેં પૂછના ચાહુંગા કે પાપા કી ઓર સે સંગીત કી વિરાસત, इस्माइल जी की सक्सेस में इसको विरासत कहा जाए या अपनी मेहनत? मेरे ख्याल से विरासत है ये. अगर विरासत नहीं होती तो मेहनत तो रोड पे खड्डा खोदने वाला हम सबसे ज़्यादा करता है ना. तो ये विरासत है, हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं और जो स्ट्रगल ज़िंदगी में उन लोगों ने किया था, ये उनको जो नहीं मिला बदले में मुझे ऊपर वाले ने मुझे दिया, तो ये विरासत ही है बेसिकली. नहीं तो मेहनत तो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं. बचपन में पापा अच्छा सैक्सोफोन बजा लेते थे जी. सैक्सोफोन का एक मतलब पैशन था उनका. मतलब जैसे सैक्सोफोन लगाया, हाथ में पकड़ा और उंगलियां ऐसे मखमली घूमती थी उनके ऊपर कि मेहनत ना करे तो भी एक अच्छा सा सुर निकल जाता था और लोगों को कर्णप्रिय लगता था. उस वक्त इस्माइल जी क्या करते थे जब पिताजी रियाज करते थे? मैं बचपन की बात कर रहा हूँ. देखिए, जब बचपन में पिताजी रियाज करते थे तो इस्माइल दरबार का वजूद ही नहीं था इस दुनिया में, क्योंकि वो खुद रियाज कर रहे थे और शादी हुई नहीं थी. मैं तो पैदा हुआ शादी के बाद, तो उनको मैंने रियाज करते हुए नहीं देखा. बट उन्होंने मुझसे जो जो उनके किस्से थे, जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं वायलिन सीखने लगा, तो उन्होंने अपने रियाज के तरीके मुझे बताए कि बेटा, अगर तुमको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो तुमको सबसे पहले ये सारे खेल कूद छोड़ने होंगे, क्योंकि मैंने अपना बचपन नहीं जिया, ये उन्होंने कहा. ओके. मेरे सारे दोस्त बोले खेलते रहते थे और मैं रियाज करते रहता था, और वजह वही वजह थी जिसकी वजह से जब भी मैं, जो आपने कहा कि मखमली जब उंगलियां चलती थी और मखमली जब सुर निकलते थे जी. तो वो सबसे बड़ी वजह वही थी कि उन्होंने कुछ अपने बचपन को त्याग दिया था. तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि यू हैव नॉट एंजॉयड योर चाइल्डहुड? मेरा एकदम उल्टा हुआ. हाँ. मैंने अपने बचपन को पेट भर के जिया. ओके. और वो मुझे रोज यही किस्सा सुनाते रहते थे, ये मत करिए, तुम्हारा लाइफ यही टाइम है. हाँ. मेहनत करने का, कुछ सीखने का. लेकिन उस वक्त आप एंजॉय कर रहे थे अपना चाइल्ड. मैंने हर चीज को एंजॉय किया है लाइफ में, चाहे वो मतलब जैसे क्रिकेट का बहुत शौकीन था, फिर पतंगे बहुत उड़ाता था, गिल्ली डंडे बहुत खेलता था, और मतलब जितने भी गेम्स उस वक्त होते थे मैं सुबह से शाम तक एंजॉय करता था. हाँ, मैं पढ़ने लिखने में बहुत दूर भागता था. यहाँ पूछ लूँ कहाँ तक पढ़े थे? मैं सिर्फ 6.5 पढ़ा हूँ, मतलब 7 भी कंप्लीट नहीं किया. ओके. तो मैंने 6.5 में ही छोड़ दिया उसको. और उसके बाद ये हमारी माँ ने अपना दिमाग लगाया कि ये तो पूरा दिन खेलते ही रहता है, इसको आप बम्बई लेके जाओ, हमारे वालिद साहब से कहा. और हमारे वालिद साहब ने कहा, देखो वैसे भी मेरे रहने की जगह नहीं है, मैं इसको ले आके कहाँ रखूँगा. बोले कुछ भी करो पर इसको ले जाओ यहाँ से. हाँ, नहीं तो ये पूरा दिन इधर खेलते रहता है और इसका कुछ होने वाला नहीं है. तो बस यहाँ आया, फिर बॉम्बे आया, तो उस वक्त तो बड़ा ऐसे लग रहा था कि बड़ी हरी हरी सूझ रही थी. हाँ. हमारे पिताजी ने बोला चल मैं तुझे ले जाता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा स्मार्ट था. अभी भी है? हाँ, नहीं अभी भी है. उनको लगा कि ये छोड़ के आएगा नहीं सूरत को, क्योंकि सुबह से शाम तक का शेड्यूल फिक्स रहता था ना. हाँ. वो शेड्यूल छोड़ के क्यों जाऊंगा मैं उधर. हाँ. तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम हीरो बनना चाहते हो क्या? अच्छा, ये भी कोशिश की थी? नहीं, उन्होंने मुझसे सबसे पहले बोला यही कि मैं तुमको हीरो बनाने के लिए बॉम्बे ले जाना चाहता हूँ. ओके. धांसे में लिया. अगर वो मुझे कहते धांसे में लिया, अगर वायलिन सीखना है, अगर ऐसे कहते तो मैं शायद ज़िंदगी में हिलता भी नहीं उधर से. अब हीरो का तो क्रेज़ यू नो हम लोग सबको बचपन से ही है. जब भी हम फिल्म देखते तो हम अपने आप को यही सोचते थे कि कब मैं अमिताभ बच्चन बनूं, कब मैं धर्मेंद्र बनूं. उस वक्त के सुपरस्टार यही थे सब. जी. तो बस सपनों की दुनिया में थे. तो मैंने बोला ये बात कौन से साल की है? ये मेरे ख्याल से जब मैं 13 साल का था. आप यूँ समझ लीजिए अभी मैं 49 हूँ, तो थोड़ा हिसाब किताब लगा लीजिए, क्योंकि अब 6.5 पढ़ा हुआ आदमी क्या हिसाब किताब करेगा, है ना. तो 13 साल का था तब ये सारे किस्से हुए और कहानी फिर आगे बढ़ी. फिर यहाँ लाके मुझे वायलिन सिखाया, तो मैंने कहा तो शूटिंग में कब लेके जाओगे, हीरो कब बनाओगे? बोले बेटा ये पहली सीढ़ी है. अच्छा, पहले वायलिन बजाओ
बाद में जाके हीरो बनते हैं। ये तुम्हारी पहली सीढ़ी है, तुमको हीरो बनने के लिए ये पहली सीढ़ी है, बस यहाँ से शुरू होगा सब और यहाँ से ही तुमको सब मिलेगा। कौन गुरु थे वायोलिन के? मेरे रामप्रसाद शर्मा, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के फादर थे। तो बस वहाँ गए तो वहाँ पे सब मनोज कुमार के बेटे भी सीखने आते थे, रीना रॉय की बहन बरखा वो भी सीखने आती थी। तो मुझे लगा हाँ यार, ये जगह तो एकदम सॉलिड है, ये यहाँ से काम हो जाएगा अपना। तो ये सीखना शुरू किया, फिर हर साल में उनको एक सवाल करता था कि यार अभी तो एक साल हो गया, वो हीरो बनने वाला किस्सा कब पूरा होगा। बोले बेटा धीरे धीरे मेहनत करो तो हो जाएगा। ऐसे करते 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 12 साल निकल गए और फिर म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। तब उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुम हीरो बन, अभी हीरो बने। यहाँ रुकूंगा। हीरो बनने वाला जो पहला मकाम था जब आपने क्रॉस किया, उसकी बात करेंगे छोटे से विराम के बाद। दर्शक मित्रों समय दो, जो विराम नो विराम बाद इस्माइल दरबार साथे नहीं बात, तो बीजा तबक्का नहीं। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनों कार्यक्रम अतिथि मां। 12 साल की मेहनत, 13 साल की उम्र में बंबई में प्रवेश किया, वायोलिन अपने आप को रगड़ डाला, एक अंदर से ख्वाहिश थी कि कुछ मुझे अपना नाम करना है जी। और उसके बाद 12 साल तक मेहनत, उस मेहनत में कभी भी ऐसी सोच आई थी कि यार ये छोड़ दे? सोच नहीं आई थी, आप यकीन मानिए मैं 12 साल में कम से कम 12 बार बंबई छोड़ के सूरत भाग के आया था। ओके। हाँ, बट इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने माँ बाप को देता हूँ। जब मैं भाग कर आ जाता था तो उस वक्त वो बड़े प्यार से मुझे रखते थे, क्योंकि वहाँ बॉम्बे में रहना और इतनी तकलीफ़ों का सामना करना वो मेरे बस का काम था नहीं। यहाँ ऐशो आराम से सारी चीज़ें, अपने दोपहर को 1 बजे खाना, कड़ी खिचड़ी सामने आ जाती थी, चटनी विद पापड़, आप समझ रहे हो ना, ये अय्याशी वाली ज़िंदगी थी। और जो चाहे वो आपको, जो खाने का मन है वो सब मिल रहा था। अब बॉम्बे में ये सारा बंद हो गया था। अब जो भी आपको खाना है रेस्टोरेंट में खाना है, और जो मुझे पसंद, जो मेरे घर में बनता था वो तो रेस्टोरेंट में मिलता ही नहीं था। और माँ का और मुझे हाँ, और मेरा बस वहीं से मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू होता था। और मैं बचपन से खाने का बड़ा शौकीन, लेकिन ऐसे भी बहुत बार हुआ कि मेरी सबसे पसंद वाली चीज़ थी कढ़ी खिचड़ी। आप यकीन नहीं मानेंगे देवंग साहब, सच कह रहा हूँ आपको, मेरे घर में कढ़ी खिचड़ी बननी बंद हो गई थी। फॉर वॉट? क्योंकि मैं नहीं था घर में, और अगर बन जाती थी किसी के यहाँ और वो किस्सा शुरू होता था तो मेरी माँ का काम होता था सिर्फ रोना कि पता नहीं मेरा बच्चा वहाँ क्या कर रहा होगा। उस कड़ी खिचड़ी के पीछे तो वो पागल था, और अभी जब भी उसके अब्बा खत लिखते तो वो बस एक ही बात बोलते रहते कि ये कड़ी खिचड़ी मांगते रहता, मैं इसको कहाँ से ला के दूँ। आप समझे कि नहीं? लेकिन 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 इस 12 साल की स्ट्रगल में कहा जाता है कि इस्माइल जी गुस्से भी बहुत हो जाते हैं। ये गुस्सा अपना 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 नेचर, अपना नेचर। हाँ। कभी आपको लगा कि वो हर्डल बना है ग्रोथ में? हाँ, देखिए क्रोध जो होता है वो नुकसान तो पहुंचाता है, पर जो क्रोध है वो नेचर में है। ऐसा नहीं है कि मैं बम्बई आने के बाद था, मैं बचपन से ही बहुत बहुत गुस्से वाला था। हमारी माँ से मैं जब कोई चीज़ मांगता था और मुझे नहीं मिलती थी ना, तो मैं पूरा उथल पुथल कर देता था। मतलब इस तरह का गुस्सा था मेरा, बहुत ज़िद्दी। तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर है आज भी। मतलब कोई चीज़ मैं जो चाहता हूँ मुझे नहीं मिलती है, मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता है। बट अभी थोड़ा समझदार हो गया ना, तो अपने गुस्से को दबाना सीख गया हूँ। बट वो गुस्सा है अंदर, अभी भी है। अभी भी मेरा दिमाग घूमने शुरू हो जाता है कि सारा मुझे ये चाहिए, मिल क्यों नहीं रहा है। अफसोस होता है कि शायद अगर इस्माइल दरबार के जहन में ये गुस्से नाम वाली चीज नहीं होती तो बहुत कुछ फर्क पड़ता। देखिए मैं तो एक दूसरा इसका पॉजिटिव पहलू ये सोचता हूँ कि अगर गुस्सा नहीं होता तो इस्माइल दरबारी नहीं बनता। ये गुस्से नहीं उसको बनाया, आप यकीन मानिए। अब आप बताओगे कैसे गुस्सा आया आपको? जब मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के इतनी मेहनत करने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की रिकॉर्डिंग महबूब स्टूडियो में बजाने लगा, तो प्यारेलाल जी ने एक दिन मुझे सबके सामने कह दिया कि अभी तुमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो अभी थोड़ा टाइम तुम प्रैक्टिस करो। जबकि मेरे से कमज़ोर बजाने वाले और थे, बट उन्होंने क्या सोच के कहा था ये उनको पता है। उन्होंने गलत नहीं सोचा था, बट मैंने उस चीज़ को बहुत दिल पे ले लिया। एक सिंपल सी बात है, मैं ये सोचूं कि यार मेरे से कमज़ोर बजाने वाले हैं
हाँ, वो तो आप उनको तो काम दे रहे हो, मुझे काम देने के लिए आप बोल रहे हो प्रैक्टिस करो। उस रोज मैंने महबूब स्टूडियो के बाहर गेट पे गुस्से में ये कसम खाई थी कि आज के बाद मैं तुम्हारे बराबरी का काम करूँगा। ओके ओके, आज के बाद मैं तुम्हारे पास काम मांगने कभी नहीं आऊँगा। एक ठान लिया था कि ये करना ही है मुझे। गुस्सा ही था जिसने मुझे बनाया, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहाँ और मैं कहाँ, एक जर्रा था, बट ये क्रोध था मेरे अंदर कि मैं तुम्हारे पास आज के बाद काम मांगने तो नहीं आऊँगा बट तुम्हारे बराबरी का काम करूँगा। नाउ नाउ नाउ, यहाँ बात आती है, आपने बोला कि एक ठान लिया कि आज के बाद मैं आपकी बराबरी का एक म्यूजिक डायरेक्टर बन के ही पेश आऊँगा। इस्माइल जी को सही रिकग्नाइजेशन इस इंडस्ट्री में कौन से मौके ने, कौन से वाक्य ने दिया? देखिए, मैं एक कृष्णामूर्ति प्रोडक्शन है, तो सबसे पहला मैंने अटैक किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्रोड्यूसर पे, हाँ, और मुझे इतना नॉलेज नहीं था, टू बी वेरी फ्रेंक। मुझे लगता था कि एक फिल्म में 6-7 गाने होते, उतने बना लो, हो गया काम, तो काम हो गया। तो ये बात मुझे इतनी ही पता थी, ज़्यादा गहराई भी नहीं पता थी, सोचो तब की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कृष्णामूर्ति के साथ वो प्यासा सावन, उनकी बहुत बड़ी हिट हुई थी, है ना, और प्यासा सावन थी वो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट उनकी एक फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी जिसका म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत ज़बरदस्त किया था। तो मैं उनसे मिला, रवि कृष्णामूर्ति से, और जब उन्होंने जीन्स, मैं मुझे अभी तक कपड़ा भी याद है मेरा, मैंने लाइट ब्लू जीन्स पहना था और रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, फुल स्लीव, मुझे वो भी याद है। और मैं जब उनसे मिला तो दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, एकदम चिकना, तो मैंने कहा रवि साहब, मैं आपको मेरा म्यूज़िक सिटिंग सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आपके साथ मुझे काम करना है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। तो मुझे ऐसे देखने लगे यार ये क्या पागल हो, ये हुलिया और ये इतना यंग, जो आदमी इतने लेजेंड लोग के साथ काम कर रहा है, तो एक रस्ते में लौंडा मिलेगा और ऐसे बात करेगा तो आदमी देखेगा तो जरूर। तो बोले तो आपके पास गाने बने हुए? मैंने कहा हाँ, आप एक खाली मौका दीजिए सुनाने का। तो मैंने उनको सबसे पहली सिटिंग सुनाई और मैंने 7 गाने सुने। सात गाने में उन्होंने 4 गाने पसंद किए और 3 गाने में कुछ बोला नहीं उन्होंने, बोले और है? मैंने कहा एक पिक्चर में तो 7 ही गाने होते हैं। तो वो बहुत जोर से ऐसे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंट बड़ा सॉलिड है, बोले यार तुमको कैसे मालूम कि ये 7 गाने मेरी पिक्चर में फिट है? मैं बोला मेरे दिमाग में था कि 7 गाने होते, 7 गाने मेरे रेडी है। तो खैर जो भी है, उस वक्त मुझे ये पता चला कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस मकाम पे पहुंचने के बाद भी ना एक सिचुएशन पे कम से कम 15 गाने सुना देते। यस यस, हाँ, तो तुम कौन सी दुनिया में हो? तब मुझे पहली बार पता चला, बट फिर भी मैं ज़िद्दी था। मैंने कहा मैं 15 गाने भी नहीं बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा 1 या तो 2, इस तुमको पसंद करना है तो करो, और यही किया आज तक मैंने। ओके, जितनी सक्सेसफुल गाने हैं ना, मैंने 1 या 2, उसके बाद तीसरे के बारे में जब भी बात हुई है उसको ही ना बोल दिया सीधा। तो ये पागलपन है, मतलब प्रोडक्शन करूंगा तो परफेक्शन के साथ ही, हाँ, करूंगा, अपने कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ। और वो पहला ब्रेक, पहला गाना जो रिकग्नाइज हुआ, हाँ, वो कौन सा था? वो सबसे पहला गाना था हम दिल दे चुके सनम, जो संजय बंसाली ने उसको समझा, उसको परखा, और मैंने उसको संजय को ये बोल के सुनाया कि आपने सारे गाने सुन लिए, तब तक तो मैं काफ़ी पॉलिश हो चुका था संजय तक पहुँचने तक। तो मैंने संजय को सिटिंग सुनाया तो संजय ने मुझसे कहा कि और कुछ सुनाना चाहते हो? मैंने कि एक गाना है जो मेरी पसंद का है, जो लोग ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते बट मेरी पसंद का है। तो बोले सुना, तो मैंने सुनाया, वो था हम दिल दे चुके सनम टाइटल सॉन्ग। संजय ने बोला एक बार और सुना, और एक बार सुनाया, बोले एक बार और सुना, और एक बार सुनाया। 3 बार सुनने के बाद बोले यार बहुत खूबसूरत गाना बनाया आपने। ये पहला आदमी था जिसने उतने ही प्यार से तारीफ किया जितनी प्यार से मैं उस गाने की वैल्यू समझता था। ओके, तब मुझे लगा कि यार मुझे इस आदमी के साथ काम करना चाहिए, इसकी आत्मा और मेरी आत्मा मैच कर रही है। देखो ये सिग्नल समझना बहुत जरूरी है, ये ट्यूनिंग होना चाहिए, यस, अदरवाइज वो बॉन्डिंग बनता ही नहीं है, मतलब रिलेशन, मतलब इंडस्ट्री में रिलेशन वो डेवलप। नाउ 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 नाउ, दिल खोल के, क्योंकि ये इस शो में जितने भी हमारे गेस्ट आए सब ने दिल खोल के बात किया है, मैं भी चाहूँगा कि आप भी ये बात आज दिल खोल के बताएं कि हम दिल दे चुके सनम का टाइटल सॉन्ग
कोई भी एक आर्टिस्ट होता है जो अब तर्ज बनाता है, एक इमेजिनेशन करता है, एक सिचुएशन की इमेजिनेशन करता है, उसका थॉट उसे एट अ टाइम तो आता नहीं है, कहीं एक बैक ऑफ द माइंड कुछ पड़ी हुई स्टोरी जो उस तर्ज के लिए उसे इंस्पायर करती है। हम दिल दे चुके सनम का वो जो गाना था, कहाँ से लिए थे, कब आया था ये थॉट? नहीं देखिए क्या होता है कि जैसे एक और जिद वाला किस्सा इसी बात को लेके कि मेरे एक दोस्त ने ये बोला था कि ये तो वायलिन बजाता है और सबसे पहले अगर आपको म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है तो ये परंपरा चली आ रही थी कि आपको कम से कम हारमोनियम बजाना आना चाहिए। हाँ तो मेरा एक दोस्त था जिसने मतलब हंसी मजाक में मुझसे ये कह दिया था, अबे साले तेरे को हारमोनियम तो बजाना आता नहीं है, लल्लू म्यूज़िक डायरेक्टर क्या खाक बनेगा? तो मैं बोला ओए किससे बात कर रहा है, बिना हारमोनियम के तेरे को म्यूज़िक डायरेक्टर बन के नहीं दिखाया ना तो तू भी इधर है मैं भी इधर हूँ। चैलेंज वाला। अब एक दिन है ना हारमोनियम मेरे घर में पड़ा हुआ था, तो मैं मेरी लाइफ में गाने तो बहुत बनाए, सब ऐसे ही बनाए हवा में ही, बट ये टाइटल सॉन्ग जो हम दिल दे चुके सर हमें ना हारमोनियम पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चल मैं सीखना तो नहीं चाहता हूँ बट वायलिन सीखा है तो मेरे कान में सुर है, भाई चलो थोड़ा हाथ रखता हूँ हारमोनियम पे, देखता हूँ गाना बनता है कि नहीं। और ये मैंने हाथ रखा और ये गाने ने जन्म लिया हम दिल दे चुके सर। ओके। यहाँ सही मायने में आपने बताया कि मेरी और संजय लीला भंसाली की आत्मा एक थी, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मेरे समय दोजे विराम अंतिम तबकानी बातों इस्माइल दरबार साथे नहीं ब्रेक पछी। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनु कार्यक्रम अतिथि मां। आपने ब्रेक से पहले कहा कि संजय लीला भंसाली और इस्माइल दरबार की आत्मा एक थी, वो उस वक्त आपको महसूस हुआ जब उन्होंने कहा कि यार बहुत ही बढ़िया तर्ज है हम दिल दे चुके सनम का टाइटल सॉन्ग। क्या कन्फेस करना चाहेंगे कि संजय लीला भंसाली अगर इस्माइल दरबार की लाइफ से निकाल दें, या तो संजय लीला की भंसाली की जीवन से इस्माइल दरबार निकाले, इस्माइल दरबार के जीवन से संजय लीला भंसाली को निकाल दे, बहुत बड़ा वैक्यूम बन जाएगा और वो दिखता भी है शायद आज। देखिए मैं आप जो बोल रहे हो ना, आपने कहा ना दिल खोल के बोलिए, है ना, और मैंने हमेशा ज़िंदगी में दिल खोल के ही बात की है, कभी परवाह नहीं की कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा और इससे मुझे क्या नुकसान होगा। अब इनफैक्ट मैंने संजय भंसाली को इस बार बोला भी कि जब भी तुम्हारा हिस्ट्री क्रिएट करने का मन करे ना तो मेरे साथ काम कर लेना। हाँ तो बोले आपको क्या लगता है कि आपकी वजह से मैं हिस्ट्री क्रिएट करता हूँ? तो मैं बोला आप हिस्ट्री उठा लो आपकी, आपने जितना भी काम किया सब फ्लॉप है, इस्माइल दरबार ने आपके साथ दो काम किए जिसने हिस्ट्री क्रिएट की है और मुझे भी आपकी ज़रूरत है, ऐसा नहीं ये ब्लंट आपने कि ना आप मेरे बगैर कुछ कर सकते हो ना मैं आपके बगैर कुछ कर सकता हूँ, हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकते हम दोनों एक दूसरे के बगैर, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उसके बगैर कर लूँगा, ऐसा भी नहीं है, बट ये ओपन बात। लेकिन ये नहीं लगता है कि ये इस्माइल दरबार की खुद की एक लिमिटेड बाउंड्री बन गई है क्या कि ये जैसे कि संजय लीला भंसाली के बिना इस्माइल दरबार कुछ कर ही नहीं सकते? बट संजय भी तो कुछ नहीं कर सकता है। फिर भी क्या बाकी लोगों को पसंद नहीं आती है इस्माइल दरबार की? बाकी लोग चाहते हैं कि मैं उनकी चमचागिरी करूं, वो जैसे कहे मैं वैसे कहूं, तो मैं चमचागिरी करके काम नहीं करना चाहता हूं। और दूसरी बात जो उनका जो म्यूज़िक का टेस्ट है, एक सिंपल सी बात है कि मेरी 4-5वीं पीढ़ी हूँ मैं म्यूज़िक में, तो मेरे रगों में म्यूज़िक है। और अब एक ऐसा आदमी मेरे सामने बैठा है जिसके बाप दादा तो छोड़ो कहीं पुरखों से म्यूज़िक उसके अंदर कहीं से कहीं तक नहीं है, और वो बोलेगा कि इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो, तो आप बोलो ये बर्दाश्त के बाहर है कि नहीं? बात ठीक बिल्कुल, तो हर एक का एक काम होता है। ये इंडस्ट्री में, यहाँ से सीधा सवाल मैं डाइवर्ट करता हूँ, इस इंडस्ट्री में इंडस्ट्री की समझदारी के बिना वाले लोग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद हो गई ऐसा लगता है, पैसे लेके आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। उनको क्या लगता है ना कि जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्रिएशन एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर वाले की देन है, जो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं जो भी बनाऊँगा वो हिट होगा, नहीं ऐसा नहीं है, बट क्रिएशन एक क्रिएटिवनेस जो है वो ऊपर वाले की देन है, तो उसको एटलीस्ट आप उस पर भरोसा रखो
उस पर विश्वास रखो। जैसे संजय ने मुझ पर भरोसा किया, विश्वास किया कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट इसकी आत्मा, इससे जो भी सुर निकलते हैं उसमें पावर है, उसने ये विश्वास किया है ना, और मेरे जैसे पागल आदमी के साथ काम किया। मतलब ये पागलपन संजय बंसाली ने पहले गाने जब रिकॉर्ड नहीं हुआ था तब से वो देख रहा है। जब मैंने उसके साथ फिल्म का रिकॉर्डिंग शुरू भी नहीं किया था, खाली उसने फिल्म दी थी और रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तब भी मेरे अंदर ये पागलपन था कि आप क्या पिक्चर से निकालोगे, मैं आपकी फिल्म छोड़ रहा हूँ। तो ये पागलपन ऐसा नहीं है कि ये जन्म लेके ही बाहर आया हुआ है, बट कहने का मतलब ये कि इसका क्रेडिट मैं संजय को देता हूँ कि उसमें इतना सब्र था और इतना उसको पता था कि मुझे इससे काम निकलवाना है, दैट्स ऑल, और कुछ सोचा ही नहीं उसने। उसके बाद संजय ने देवदास में अगेन मुझे लिया, अगेन उस हम दोनों के बहुत झगड़े होते थे, अगेन उसने काम मुझसे निकलवाया। उसके बाद उसका ईगो थोड़ा बड़ा हो गया, उसने सोचा मैं कब तक इसकी झेलता रहूँगा इसको, है ना, बट मैं वैसा ही हूँ। क्या आपकी डिमांड बढ़ती थी? डिमांड बढ़ती नहीं, मेरी डिमांड नहीं बढ़ती थी। मेरा क्या होता था ना कि जो चीज़ मुझे 100% लगती थी ना, आप उसको 90 बोलोगे ना तो मैं आपको बोलूँगा आप गलत हो, तो मैंने आपको गलत बोल दिया ना तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। ओके ओके ओके, यहाँ पर यही प्रॉब्लम। नाउ इस्माइल दरबार की खुद की 3 स्ट्रेंथ कौन सी है जो शायद और किसी में नहीं है? इस्माइल दरबार मानते कि ये मेरी 3 स्ट्रेंथ है, 1 2 3, ऐसी 3 मजबूत बातें क्या इस्माइल दरबार की? देखो, एक तो सबसे मजबूत बात है अल्लाह। मुझे पता है जो भी करता है, जो भी देता है, वो सिर्फ वही देता है। ये मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। आज भी आज मैं फिर से, आपको पता है कि जो मेरा आज का टाइम चल रहा है, बट मेरा स्ट्रेंथ ये कहता है कि मैंने जो भी नाम किया है आज तक, ये सिर्फ 5% है, अभी 95% बाकी है। ओके ओके ओके, तो ये मुझे स्ट्रेंथ मिलता है ऊपर से ही। दूसरा, मेरी माँ बाप, कट टू सीधा मेरे माँ बाप, अगर उनकी दुआएँ नहीं होती तो ये कभी नहीं होता। तीसरा, मेरे बुज़ुर्ग जिन्होंने बहुत तकलीफ उठाई, मकाम हासिल नहीं हुआ, तो मुझे ये 3 स्ट्रेंथ है आपके। 3 वीकनेसेस कौन सी इस्माइल दरबार की जो लगता है कि मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए? मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि मुझे सामने वाले की बात सुनना चाहिए। मैं हमेशा क्यों सामने वाले को गलत बोलता हूँ, कभी कभी सुन भी लेना चाहिए, तो मैं इसको भी वीकनेस मानता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं ही सही होऊंगा, इसको मैं वीकनेस बोलता हूँ। सेकंड मेरी वीकनेस ये है, मेरी फैमिली को कुछ भी होता है ना तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, वो मुझसे काम नहीं होता है। थर्ड, मैं बेइज्जती झेल नहीं सकता हूँ, कभी भी नहीं झेल सकता हूँ। लास्ट में दो सवाल रहेंगे। पहला कि पापा का वो एक बहुत ही खूबसूरत कश्मीर की कली सैक्सोफोन जो उनका था, उनके बारे में थोड़ी बात, कभी पापा ने भी बात किया होगा उनके लिए? मैं बताता हूँ, दरअसल बात शुरू था देनी, पहला आपने संभड़ा भी छे सैक्सोफोनो ए पीस के ज्या इस्माइल दरबार ना पिताजी है पोते आ खूबसूरत पीस वगाड़े हो, तो फिल्म कश्मीर की कली ने गीत छे ये दुनिया उसी की, जो ये एक 8 टुकड़ो है। दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, जी इस्माइल जी, हमने एक गाना देखा और ये सैक्सोफोन का इतना खूबसूरत पीस, उसके बारे में पापा ने कभी बताया हो? मुझे मेरे पापा ने इतना बताया था कि जब वो नूर मोहम्मद बैंड में है ना, भिंडी बाजार में रहते थे, वो बैंड वालों के यहाँ ही, तब वो नौकरी करते थे उनके यहाँ, और वो अपना नूर मोहम्मद बैंड में बजा के भिंडी बाजार में खुश थे लाइफ में। बट उनकी पहचान थी, एक अब्दुल भाई क्लैनेट बजाते थे जो फिल्म इंडस्ट्री में बजाते थे, जो सच्चा झूठा और उसमें सब में बजाया। तो एक दिन क्या हो गया, इस गाने के अंदर नैयर साहब को कुछ ज़रूरत पड़ी सैक्सोफोन की, तो वो जो हमारे अब्दुल अंकल थे ना, उन्होंने कहा कि मेरा एक कज़िन भाई है लेकिन बैंड में बजाता है वो, पर बजाता है बहुत कमाल, आपको चलेगा? तो बोले हाँ बुला लो यार, काम ही करना है हमको, तो अच्छा बजाने वाला ही चाहिए ना। तो उनके ज़रिए डैडी ने वो रिकॉर्डिंग बजाई थी। तो आप यकीन मानिए, हमारे पिताजी ने ये कहा कि वो जो सैक्सोफोन भी उनका नहीं था,
वो भी बैंड वालों का था। और बोले मैं जब गया तो मुझे बोला गया ऐसे ऐसे आपको बजाना है और आपको फॉलो करना है। तो बोले बेटा मैं वही तेरे को हमेशा सिखाते रहता हूँ कि बचपन की जो मेरी मेहनत थी ना वो फिर मैं कहीं भी चला गया वो हमेशा काम आई है। ओके फाइन, अंतिम सवाल की अपने कंपोजिशन के अलावा ऐसा कौन सा एक खूबसूरत गाना, ऐसा कौन सा एक कंपोजिशन है जो इस्माइल जी को वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन इस इंडस्ट्री का लगता है? मुझे मदन मोहन साहब की कंपोजिशन बहुत पसंद। कोई उसमें से एक खूबसूरत गाना मैं चाहूँगा कि थोड़ा गुनगुना किए इस प्रोग्राम के अंत में मदन मोहन जी। जैसे मदन जी का गाना है, लता जी ने जो गाया था कि वो गाना है ना, सोचा तो आंसू भराए। ये जो गाने का देखो आप लिरिक्स देखो, कंपोजिशन देखो, सिंगिंग देखो, तो ऐसा लगता है ये तीन लोग हैं ना एक ही आत्मा है, चाहे वो राइटर हो, चाहे लता जी हो, चाहे मदन जी। एक ग्रुप एफर्ट दिखता है और एक दूसरे की ट्यूनिंग समझने वाला। यहाँ तक सोचिए आप कि इसमें रईस खान साहब ने सितार बजाया हुआ है जी। मतलब आप सितार भी सुनोगे उस तो लगता कि ये चौथी आत्मा उसके अंदर है। मतलब ऐसा बॉन्डिंग मैंने है ना मेरी लाइफ में आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच इस्माइल जी। और हम चाहेंगे कि आप जो चाहते हो वो बॉन्डिंग, वो आत्मा मिले। और अगेन हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा खूबसूरत से अच्छे से कंपोजिशन आप हमको पेश करें। थैंक यू वेरी मच अगेन। पर एक बार और कहना चाहता हूँ देवंग साहब, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी है तो खुल के बात करूँ ना। तो एक बात क्यों मैं अधूरी छोड़ के जाऊँ, वो आपके लिए है कि ये जो आपका स्टाइल है ऊपर ब्लैक और नीचे वाइट ये बहुत बढ़िया है। ये पहली बार लाइफ में देखा है, ये आप पे बहुत सूट करता है। कंटिन्यूटी में ही रखिए। थैंक यू वेरी मच दर्शकों। तो आदि खास मुलाकात इस्माइल दरबार जी साथ बहुत दिल खोली बात करी। तमने पण कन्फेस कर्यु कि दीस आर माय थ्री वीकनेसेस जे मने खरेखर लागे छे कि मारे इम्प्रूव करवा जेवु छे। ने हजी ए शोधी रहा है कि एक एवं बॉन्डिंग विविश के एमने एमनू जो कम्पोजिशन एमनू जो माइंडसेट है अथवा तमने जो तर्ज बनावी है समझी ने कोक एक डायरेक्टर साथ प्रॉपर ट्यूनिंग साथनी एक खूबसूरत फिल्म की खूबसूरत तर्ज आपने फरी एक बार सांभळवा मळे। फरी मळीशुं नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथ। त्यां सुधी रजा आपशो। नमस्कार। थैंक्स अगेन।